वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या है कि इस समय जो भारत है वो क्या मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इससे श्योर है कि परीक्षाओं में भी इससे लगभग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत, तो ये 75वां लोग कह रहे हैं कि ये 75 साल पूरे हुए हैं, अर्थात ये 75वां अमृत महोत्सव है, मतलब 75वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन ये 75वां स्वतंत्रता दिवस नहीं, ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है। 75 साल जो है पूरे हुए हैं, 1947 और 2022 के बीच में 75 साल टोटल आ रहे हैं। तो हमारा जो है भारत स्वतंत्र हुए जो है 75 साल पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन असल में जो है स्वतंत्रता दिवस का ये कहवा स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो भारत ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और 75 साल पूरे होने पर। अगला प्रश्न क्या है कि साउथ कोरिया कब आज़ाद हुआ, साउथ कोरिया, कांगो ये भी 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे, ठीक है। 17 बार तिरंगा किसने फहराया, देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 17 बार तिरंगा फहराने का, तो 17 बार तिरंगा किसने फहराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार तिरंगा फहराया। अब कि 76वां जो स्वतंत्रता दिवस था उसमें नरेंद्र मोदी ने टोटल 8 बार जो है इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर टोटल 8 बार तिरंगा फहराया है और 17 बार फहराने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का है इसमें। अगला प्रश्न क्या है कि पीएम लाल किले की प्राचीर से कौन सा नारा दिए हैं, तो पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले से कौन सा नारा दिया है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने नारा जो दिया हुआ है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसके पहले नारा क्या था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान था, लेकिन इन्होंने जय अनुसंधान और जोड़ दिया है। अगला प्रश्न क्या है कि हर घर जल जीवन मिशन वाला कौन सा राज्य है, हर घर जल जीवन मिशन वाला कौन सा राज्य, तो वह गोवा, ठीक है, वह है गोवा राज्य। और हर घर जल जीवन मिशन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो दादर नगर हवेली दीव और दमन ये बनी है और राज्य में गोवा है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो देखिए फ्रेंड, 24 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 23 जुलाई 1947 को जो है 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न क्या है कि नीपम पहल किससे संबंधित है, ठीक है, तो नीपम पहल देखिए फ्रेंड, ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नीपम पहल, ये परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि नीपम पहल किससे संबंधित, तो ये बौद्धिक संपदा से, आप इसे याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो 43 है, 43वां रैंक आया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका है, टॉप कंट्रीज में जो है वो अमेरिका आता है आपका, 43 स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न क्या है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी, तो ये कहाँ पर शुरू होगी, तो इसे 2023 से स्टार्ट करने का प्लानिंग है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सेवा। देखिए अब इसे अंडर वाटर बनाने की क्या ज़रूरत थी, चाहते तो हम लोग इससे ऊपर से भी बना सकते थे, तो जिसे ये हावड़ा ब्रिज के नीचे बनाया जा रहा है, इसे तो ऊपर से हावड़ा ब्रिज है इसीलिए इसे नीचे से जो है बनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ये मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है और 2023 से स्टार्ट करने का प्लानिंग है। अंदर से ये शीशे से पूरा पैक रहेगा पानी के अंदर और इसके अंदर मेट्रो सुविधा चलाई जाएगी, तो हुगली नदी पर ये बनाया जाएगा कोलकाता में और टोटल लेंथ इसकी होगी 16.5 किलोमीटर, 16.55 किलोमीटर, और पानी के नीचे की इसकी लेंथ कितनी होगी, 10.8 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि NH01 नेशनल हाईवे 01 ये गंगा नदी पर स्थित है, प्रयागराज से हल्दिया, और NH02 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से डुबरी। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूल
स्कूलों के बच्चों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। देखिए अभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूल के बच्चों को 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो है राजस्थान। राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों ने सामूहिक देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है, तो ये रोशनी नाम है उसका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है, तो उसका नाम क्या है? रोशनी। अगला प्रश्न क्या है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में कौन से स्थान पर है? तो एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान जो है वो 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर भारत का स्थान है, और पहला देश कौन सा है? पहला देश है यूक्रेन। ठीक है, भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सूची में भारत का स्थान 7वां है, यूक्रेन का स्थान पहला है। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने टाइगर रेंज देशों TRCS की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने किया है। भारत ने जो है टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। टोटल इसमें कितने देश हैं? 13 देश हैं। फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो आपके रियल मैड्रिड ने फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जीता है। शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वो पार्श्व गायक थे सुबन्ना। शख्सियत हाल ही में जानी माने शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वो पार्श्व गायक थे। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की गई। थैंक यू फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।